स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग पार्ट टू, टर्म्स यूज इन कंप्रेशन स्प्रिंग। ओके, डैट इज टर्मिनोलॉजी। तो कुछ टर्म्स हैं जो हम स्प्रिंग के जब स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे जानेंगे सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ क्या होता है? सॉलिड लेंथ मीन्स जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप टोटली कॉम्प्रेस कर दोगे, पूरा कॉम्प्रेस कर दोगे, तो एकदम ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दोगे तो ये एकदम ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगा, जितने हमारे स्प्रिंग वायर हैं सब एकदम एक दूसरे में एडजेसेंट एकदम टच हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में कोई भी क्लियरेंस नहीं बचता है। दैट इज माय सॉलिड लेंथ। ये जो टोटल लेंथ रहेगा उसे हम सॉलिड लेंथ बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है सॉलिड लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर ऑफ किसका, वायर का डायमीटर, दैट इज स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एन। ये होता है हमारा सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री लेंथ के बारे में। फ्री लेंथ में हम क्या बात करें, फ्री लेंथ मतलब जब स्प्रिंग को कोई स्प्रिंग पे कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मली स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है, तो जो उसका टोटल लेंथ है दैट इज फ्री लेंथ। और उसका फॉर्मूला होता है हमारा एल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो होगा ही, साथ में डायमीटर ऑफ वायर्स ये तो होगा ही, प्लस जो डिफ्लेक्शन है, प्लस क्लियरेंस बिटवीन द एडजेसेंट साइड। दो फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक स्प्रिंग का हो गया, ये दूसरा स्प्रिंग हो गया, जिस स्प्रिंग का वायर हो गया, ये दोनों के बीच में जो क्लियरेंस रहता है दैट इज क्लियरेंस, और उसका हम उसे मानते हैं 0.15 डेल मैक्स के इक्वल। ठीक है, फ्री लेंथ हम पढ़ेंगे। नाउ थर्ड है हमारा आपका स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, जिसे हम सी से डोनेट करते हैं, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, डेट इज स्प्रिंग इंडेक्स, मीन्स डायमीटर ऑफ स्प्रिंग टू द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। ओके, एंड द फोर्थ वन इज स्प्रिंग रेट हमारा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग रेट हो जाएगा, डेट इज के से डोनेट करते हैं, डेट इज लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, डेट इज स्प्रिंग रेट। ओके, एंड लास्ट वन इज माय पिच, लास्ट हमारा पिच होगा। और पिच का क्या होता है फॉर्मूला, हमारा पिच को पी से डोनेट करते हैं, ये होता है हमारा फ्री लेंथ अपॉन एन माइनस वन, यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉलिड लेंथ क्या होता है, व्हेन द कंप्रेशन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड अंटिल द कॉइल कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जो कॉइल्स बनते हैं हमारे, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉइल हो गया, इसके नीचे तो दूसरा, ये दोनों एकदम एक दूसरे के पास आ जाएगा, तब तक कॉम्प्रेस करना है, then the spring is said to be solid, उसे हम solid spring बोलते हैं। The solid length of a spring is the product of total number of coil and the diameter of the wire. The solid length of the spring क्या हो जाएगा, let it ls से denote करते हैं, is equal to total number of coils into diameter of spring wire. Okay, n is the total number of coil and small d is equal to diameter of the wire. Okay, now next है हमारा free length. The free length of the spring is the length of the spring in the free or unloaded condition. जब हमारा spring unloaded condition में होगा, normal condition में जब होगा, वो हमारा होता है free length. It is equal to the solid length. क्या होता है free length? It is equal to the solid length plus the maximum deflection or compression of the spring and the clearance between the adjacent coil when fully compressed. तो हमने क्या free length of the spring LF से denote करते हैं, is equal to solid length plus maximum compression plus clearance between adjacent coil. जो हमारे coil हैं उनके बीच का जो clearance है वो. LF is equal to solid length. Solid length क्या था हमारा, अभी हमने discuss किया, N into D plus maximum compression or maximum deflection is equal to del mx plus
क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल के बीच में हो, क्लियरेंस जो होता है स्टैंडर्ड, दैट इज 0.15 डेल मैक्स, ठीक है. और द फॉलोइंग रिलेशन में ऑल्सो बी यूज, दैट इज एल एफ इज इक्वल टू एन इंटू डी प्लस डेल मैक्स प्लस एन माइनस वन इंटू वन एम एम. ठीक है, वन एम एम कब लेते हैं हम इन दिस, ये जो एक्सप्रेशन है वो यूज करते हैं, द क्लियरेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल इज टेकन एज वन. जो क्लियरेंस है, जब हम वन क्लियरेंस को वन लेते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं फ्री लेंथ के लिए. ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ ये इसके साथ बताता हूँ. ये देखो, ये जो हमारा स्प्रिंग है अनलोडेड कंडीशन में, स्प्रिंग का जो डायमीटर डेट इज कैपिटल डी, ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेट इज पिच, और एक स्प्रिंग का जो एक वायर है उसका डायमीटर डेट इज स्मॉल डी, ये फ्री लेंथ है हमारा. ठीक है, नाउ जब आप इससे लोड लगाओगे, लोड लगा ये कंप्रेस हुआ ऐसा होगा. ठीक है, तो ये जो हमारा कंप्रेस की लोड लगाया तो ये कंप्रेस हुआ, तो जितना डिफ्लेक्शन देखो, पहले यहाँ था फिर डिफ्लेक्शन हुआ डेट इज डेल, अब ये मैक्सिमम जितना कंप्रेस कर सको डेट इज डेल मैक्स हमारा था, और फाइनली कंप्रेस सॉलिड, एकदम सॉलिड जब एकदम पूरा लोड लगा के एकदम कंप्रेस कंडीशन में आ जाएगा, इट इज सॉलिड कंडीशन में, इट इज इन सॉलिड कंडीशन. थर्ड वन हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है. द स्प्रिंग इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन डायामीटर ऑफ द कॉइल टू द डायामीटर ऑफ द वायर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मीन डायामीटर ऑफ कॉइल टू द डायामीटर ऑफ वायर. मीन डायामीटर डेट इज डी, ओके, जो टोटल डायामीटर है स्प्रिंग का डेट इज द कैपिटल डी, मीन डायामीटर, एंड द डिवाइडेड अपॉन स्मॉल डी. स्मॉल डी क्या है, डायामीटर ऑफ वायर, दैट इज स्मॉल डी. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्प्रिंग रेट. स्प्रिंग रेट क्या होता है, द स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम स्टिफनेस भी बोलते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, इज डिफाइंड एज द लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. जो लोड आप लगा रहे हो पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो चेंज हो रहा है, पर यूनिट जो चेंज हो रहा है, दैट इज माय स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग. ओके, के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एस, डब्ल्यू इज लोड एंड एस इज डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. एंड द लास्ट वन इज पिच. पिच क्या होता है, द पिच ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड as the axial distance between adjacent coil in uncompressed state. देखो ये क्या है, free है, अभी free length ये हमारा, ठीक है, हमें कोई load नहीं लगा है, तो ये क्या एक spring का wire ये हो गया, दूसरा एक wire ये हो गया. ठीक है, पहला wire, दूसरा wire, तीसरा wire, चौथा, पचवा, छठा, सातवा, ऐसे सात wire हमारा एक spring बना रहे हैं. ठीक है, तो ये spring जो हमारा, ये दूसरा spring है, ये इसके adjacent कौन है, एक ये है और एक ये है, तो ये जो हमारा स्प्रिंग का जो वायर है इसके एडजेसेंट हम इसे मान रहे हैं, ये दोनों का डिस्टेंस डेट इज पी और पिच. ओके, पिच ऑफ द कॉइल पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू फ्री लेंथ. फ्री लेंथ जो टोटल फ्री लेंथ क्या होता, अभी हमने निकाला फ्री लेंथ क्या था, एल एफ इज इक्वल टू एन इंटू द सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस क्लियरेंस, आपका भी हमने बताया था. ठीक है, वो हमारा फ्री लेंथ, और इसे आप इज इक्वल टू बोल सकते हो एल एफ अपॉन एन माइनस वन. ओके, नाउ द पिच ऑफ द कॉइल ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन. पी इज इक्वल टू एल एफ मीन्स फ्री लेंथ माइनस सॉलिड लेंथ डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल प्लस डी स्मॉल डी डेट इज डायमीटर ऑफ वायर. ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, क्या है ये, एल एफ इज इक्वल टू फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल एस इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एंड एस डेट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइल, और डी स्मॉल डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वायर. ओके, तो हमने सॉलिड लेंथ भी देख लिया, उसका डेफिनेशन भी देख लिया क्या होता है, फ्री लेंथ देख लिया, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला भी देख लिया क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स भी समझ लिया, स्प्रिंग रेट क्या होता है वो भी हमने देख लिया, और पिच क्या होता है वो भी हमने देख लिया. तो ये टर्म्स हैं और टर्मिनोलॉजी है जो कि स्प्रिंग के आगे आप जो पढ़ेंगे उसमें ये सब की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.